उल्लू की भविष्यवाणी। उल्लू चाचा आगे होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक खरगोश हाथों में सेब को लिए हुए उनके पास पहुंचा और बोला, उल्लू चाचा मुझे आज एक सेब मिला है। इस पर उल्लू चाचा ने अपनी भविष्यवाणी की, हा हा, ये सेब तुम्हारे सिर पर 3 बार गिरेगा। सेब के सिर पर गिरने के डर से खरगोश ने उसे फेंकने की सोची और बोला, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। और जैसे ही खरगोश उस सेब को फेंकता है, वह सेब एक पेड़ से टकरा कर वापस खरगोश के सिर पर आकर गिरता है। उसी समय उल्लू चाचा उड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, हा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब खरगोश, अब मैं इसे नहीं फेंकूंगा, इसे इस पेड़ की कोटर में रख देता हूं। लेकिन खरगोश जिस पेड़ की कोटर में सेब को रखने की सोच रहा है, उस कोटर में एक सांप रहता है। जैसे ही खरगोश पेड़ की कोटर में सेब को रखता है, अंदर से सांप बाहर निकला और बोला, अरे मेरे घर के दरवाजे को किसने बंद कर दिया। इतना कहकर सांप ने सेब को नीचे ढकेल दिया। और ये क्या, सेब खरगोश के सिर पर जाके गिरा। धड़ाम, बेचारा खरगोश आ आ की आवाज करते वहीं जमीन पे पड़ा रहा। इसी बीच उल्लू चाचा फिर से आए और बोले, ये लो दूसरी बार पड़ा तुम्हारे सिर पर। तभी उधर से एक भालू गुजरा। भालू को देखकर खरगोश सोचा, इस सेब को मुझे इस भालू अंकल को खाने के लिए दे देनी चाहिए, ताकि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। इतना कहकर खरगोश सेब को भालू को देते हुए बोला, भालू अंकल आप इस सेब को खा लो। इस पर भालू ने जवाब दिया, अरे नहीं, मेरे मुंह में दांत नहीं है, फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं इसे तोड़कर खाने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर भालू ने सेब को तोड़ने के लिए ऊपर उछाला। ओह ये क्या, सेब फिर से गिरा खरगोश के सिर पे। धड़ाम, खरगोश बेचारा, अरे अरे ये क्या हुआ। उसी समय उल्लू चाचा उड़ते हुए फिर से आए और बोले, हुआ ना भाई, अच्छा हुआ सेब के 2 टुकड़े हो गए। अब बेचारा खरगोश जमीन पे पड़े चिल्ला रहा है, आ, आ, आ। ये थी कहानी उल्लू की भविष्यवाणी। धन्यवाद।